क्या आपने कभी पत्थर से बने कपड़े के बारे में सुना है? और क्या आपने कभी फैशन पुलिस के बारे में सुना है? आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं एमजे फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर धरती के आस पास एक सीधी सुरंग बनाई जाए और उसमें अगर आप एक साइड से कूद जाओ तो आपको दूसरे साइड से निकलने में 42 मिनट 16 सेकंड्स लगेंगे, जिसमें आप 12,742 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस पूरे टनल को खोदने में 2 अरब साल लग जाएंगे। अगर ये फैक्ट आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। क्या आपको पता है स्कूल बस का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है? दुनिया में बहुत से रंग हैं, लाल, हरा, नीला, गुलाबी वगैरह वगैरह, तो पीला ही क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि पीला रंग बाकी रंगों से जल्दी दिखता है। बारिश हो, कोहरा हो या ओस, पीला रंग साफ देखा जा सकता है। इसलिए हाईवे पर बच्चों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना को कम करने के लिए स्कूल बस को पीले रंग से रंगा जाता है। दोस्तों, आपने तो गांधी जी के 3 बंदर के बारे में सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बट क्या आपने कभी गांधी जी के 4th बंदर के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, गांधी जी का 4th बंदर भी है, जिसका मतलब है बुरा मत करो, जो कि आजकल कहीं नहीं दिखता। पर ये बंदर को लिस्ट से क्यों निकाला गया? कल दोस्तों, इसका पता तो किसी को नहीं है, बट इसकी जरूरत आज के टाइम में ज्यादा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वेल दोस्तों, आपने आज तक ट्रैफिक पुलिस, बैंक पुलिस, सीआईडी वगैरह के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फैशन पुलिस के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस को अपॉइंट किया जाता है। यह प्रतिबंधित कपड़े, मेकअप या हेयर स्टाइल पहनकर गुजरने वाली किसी भी महिला को रोक सकते हैं और पूछताछ करते हैं। अगर कोई छोटी या ज्यादा खुली हुई स्कर्ट या घुटने के ऊपर पैंट पहने मिला तो उन्हें जुर्माना या जेल भी हो सकती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया अपने तानाशाही के लिए बहुत मशहूर है, बट आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी पत्थर से बने कपड़े के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, शर्ले बैसे नामक अभिनेत्री ने सन 1960 में यह ड्रेस को पहली बार पहना था। इस गाउन को डॉक्टर आर्नल्ड ने डिजाइन किया था। एम शर्ली के पहने के लिए यह एक बहुत ही भारी ड्रेस रही होगी। इसका वजन 13 किलोग्राम था। इस ड्रेस में 1,56,000 डायमंड स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था। यह ड्रेस अभी ऑस्ट्रिया के क्रिस्टल वर्ल्ड म्यूजियम में है। दोस्तों, ऐसे और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।